नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पिछले दिनों CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्थन में प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद मामले को लेकर के जिले के कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर से कार्यकर्ताओं की प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई और जिसके बाद भड़की कलेक्टर महोदया ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है, जहां पर 12 नामजद लोगों सहित 150 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, 150 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रदर्शन करने वाले मामले में 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें 12 नाम दर्ज हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद ब्यावरा में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा के साथ अभद्रता की बात भी सामने आई और अभद्रता के मामले में दो आरोपियों पर धारा 353 व धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक आरोपी नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज है। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राजगढ़ में BJP की गुंडागर्दी सामने आई है। महिला जिला कलेक्टर और महिला SDM अधिकारियों को पीटा गया, बाल खींचे गए। महिला अधिकारियों की बहादुरी पर हमें गर्व है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या देश का अन्य कोई हिस्सा, कई जगहों पर इसके समर्थन में प्रदर्शन हुए तो कई जगहों पर इसके विरोध में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी CAA के समर्थन में प्रदर्शन निकाला गया था। उसी बीच एक प्रदर्शनकारी ने डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा के बाल खींचे। दरअसल प्रशासन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा था और बीच रास्ते में प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटा रहा था। इसी दौरान डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा पर एक प्रदर्शनकारी ने बाल खींचने तथा धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। वहीं विरोध करने पर जोर जोर से भारत माता के जय के नारे BJP कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जाने लगे। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि आज का दिन लोकतंत्र में सबसे काले दिनों में गिना जाएगा। आज राजगढ़ में डिप्टी कलेक्टर साहिबा ने जिस बेशर्मी से CAA के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को लताड़ा, घसीटा और चाटे मारे, उसकी निंदा शब्दों में नहीं कर सकता। क्या उन्हें प्रदर्शनकारियों का पीटने का आदेश मिला था? गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह इस कानून का विरोध करेगी। विरोध में मुख्यमंत्री कमलनाथ और सरकार के सभी मंत्री व कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च भी पूर्व में निकाल चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नागरिकता संशोधन कानून पर आधिकारिक बयान आया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस बिल को संसद में लाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरोसे में नहीं लिया गया था और जिसके बाद इस कानून को मध्य प्रदेश में नहीं लागू करने का निर्णय भी कमलनाथ सरकार के द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार की जिद के कारण हालात काबू से बाहर हैं और इसलिए इस कानून को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड है वही मध्य प्रदेश सरकार का स्टैंड रहेगा और जिसके बाद इस कानून को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं लागू करने का फैसला किया था। राजगढ़ की घटना को लेकर के देश और प्रदेश के नेताओं के बीच राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर प्रिया वर्मा और कलेक्टर निधि निवेदिता के प्रति लोगों का एक तरफ सहज व्यवहार देखा जा रहा है, वहीं इसे एक तरफ तानाशाही के रवैये के तौर पर देखा जा रहा है। इस घटना से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। Come on!
द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।